अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो सुबह सुबह उठ के मैं देखती हूँ सबसे पहले ये ग्रीनरी, पेड़ पौधों को देखने से मन को, आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मुझे सुबह उठते ही तुलसा जी के दर्शन करने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे तो मैं एक तरफ को बॉईल कर रही थी दूध और एक तरफ को मैं बना रही थी अपनी चाय, क्योंकि आज मेरा फास्ट है मंडे वाला और आप लास्ट नौमी भी है आज, बट मेरा तो मंडे का फास्ट है। तो मैंने सुबह उठ के पहले चाय पी थी क्योंकि मेरा बीपी ना कुछ लो सा चल रहा है, तो पानी तो ऑब्वियसली पीना ही है। उठ के पहले 2 ग्लास पानी पिया, देन फिर पी चाय और उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू की, पोंछा किया। और हमारे यहाँ पर क्योंकि सूतक लग चुके हैं तो भगवान जी की पूजा तो दूर से ही चल रही है, बट जो अग्यारी है बस वो कंटिन्यू करनी थी। इसीलिए सफाई करके, नहा धो के, फ्री होकर फिर मैंने कि पहले ऊपर का, हम जब हमारे यहाँ पर सूतक लग जाते हैं तो हम ना भगवान जी के आगे दिया जलाकर बस अपना जप वगैरह कर सकते हैं, भगवान जी को छू नहीं सकते। तो अभी सूतक कितने दिनों में खुलेंगे ये कुछ पता नहीं है। तो दिया जलाया, भगवान जी का जप किया, उसके बाद नीचे जाके मैंने अग्यारी की, उसके बाद वापस फिर मैं गई मंदिर और मंदिर से आकर फिर मैंने वापस एक कप और चाय बना कर पी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं फास्ट जब होता है मेरा तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। मैं खा रही हूँ ये 4 खजूर और ये 4 ही बचे हैं मेरे पास। अब मुझे नया पैकेट इसका मंगाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको डेली खाती हूँ और आज व्रत है मेरा मंडे का, और बहुत सारे लोगों का आज नवमी का भी व्रत होगा लेकिन मेरा आज मंडे का है। नवमी वाले जो लोग व्रत रखते हैं वो पूजा करने के बाद व्रत को खोल लेते हैं, बट मेरा तो रात तक का है क्योंकि मंडे का फास्ट है। तो अभी खाऊंगी ये 4 खजूर, उसके बाद जो कुछ भी खाऊंगी आज का वो पूरे दिन का आपको दिखाऊंगी मैं ब्लॉग। दिन भर में आप चाहे जो कुछ भी खाएं उसको अच्छे से चबा चबा कर खाएं, चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो। और अब मुझे खजूर अपने और मंगाने हैं क्योंकि अब ये लास्ट थे और ये हो गए ख़त्म। अब बच चुके हैं शाम के 6 और मैं बना रही हूँ गोभी मटर आलू की सब्ज़ी। आज मंडे है और फास्ट है हम लोगों का, तो वैसे हर बार फास्ट में बच्चे जब आलू के पराठे खाते हैं लेकिन क्योंकि कल आलू की कचौड़ियाँ ऑलरेडी खा चुकी हैं इसीलिए आज मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए। मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, पराठे और रायता, सिंपल खाना ही बना रही हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरी वाला नहीं। तो ये इधर बन रही है सब्ज़ी, इसको ढक देते हैं थोड़ी देर और गैस को स्लो कर देते हैं और इतनी देर में हम मार लेते हैं आटा और रायता बना लेते हैं और सैलेड काट लेते हैं। ये बन चुका है आटा और ये बन चुकी है सब्जी। ये मीठे से हम लोग व्रत खोलते हैं तो उसके लिए खीर, जिस दिन परसों व्रत था उस दिन मैंने उठाकर पहले ही एक्स्ट्रा फ्रिज में लगा दी थी, तो बिल्कुल अच्छी खीर है क्योंकि हमारे यहाँ पर ना ऐसे बची हुई खीर नहीं खाते, लेकिन अगर पहले से ही उठाकर रख दी जाए तो ये खीर झूठी नहीं मानी जाती। तो जब मैंने बनाई थी तो मुझे लग रहा था एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा बन गई है, तो मैंने उठा के रख दी थी कि मंडे के व्रत में काम आ जाएगी, तो ये अब इसका भोग लगाने में काम आ जाएगा। ये बना लिया है मैंने रायता, हींग, जीरा, पुदीना, काला नमक, सेंधा नमक डाल के, तो खाना लगभग तैयार है और सैलेड भी काट कर रख दी है मैंने आज, और ये मूली की सैलेड चलेगी, बाकी फिर कल से तो कुछ भी सैलेड शुरू हो जाएगी। तो ये काट लिया मैंने सैलेड। आजकल मूली बहुत अच्छी आ रही है, काफ़ी मोटी मोटी एकदम, मतलब रस भरी एकदम, ये देखो बिल्कुल रस भरी मूलियाँ आ रही हैं तो बहुत टेस्टी लगती हैं। इसे चटनी से लगाकर खाओ आप, और सैलेड के लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है, इनको चबाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिल्कुल भी चरपरी नहीं है ये। तो आप जब अभी मूली का सीज़न है तो आप फाइबर में सैलेड में मूली को भी ले सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल यही खा रही हूँ काफ़ी दिनों से, और अब कल से तो कुछ भी शुरू हो जाएगा, कुछ भी चीज़ खा पाएंगे। तो चलो खाने की प्लेट लगाते हैं और रात का डिनर एंजॉय करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि सब्जी खिलाने के बाद अगर कढ़ाई में ऑयल होता है तो मैं उसमें घुमा लेती हूँ इस तरीके से आटा, जिससे कि ये जो आटा है ये खस्ता हो जाता है, परांठे खस्ते बनते हैं, और दूसरा कढ़ाई में ना ऑयल वेस्ट नहीं होता। तो ये कढ़ाई मैंने सारी इस तरीके से पोंछ ली है, इस तरीके से, तो इस तरीके से मैं कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करती और ये परांठे भी खस्ते हो जाएंगे जब इसके बनाएंगे हम। तो आप भी ये ट्रिक आजमा, जब भी सुबह की पहली रोटी या पराठा बनता है तो वो मैं निकालती हूँ गाय का, तो सुबह से क्योंकि अब खाना बना है और ये पहला पराठा है इसलिए ये मैं निकाल रही हूँ गाय के लिए।
और इस पर सारे सब्जी रायते खीर वीर सब कुछ रख के मैं गैया के लिए निकाल दूँगी और फिर नीचे जाके उनको अपने हाथ से खिलाकर आऊँगी। हमारी गली में हर वक्त गाय अवेलेबल रहती है, बहुत बड़ी कृपा है शिव जी की कि हर वक्त हमें गाय अवेलेबल मिलती है ताज़ी रोटी परांठा खिलाने के लिए। और इधर मैंने लगा दिया है थाली को ये सैलड, बाकी सब चीज़ें, और अब इसमें सर्व करने वाली हूँ परांठा। तो ये है गैया का परांठा जिसपे खीर रायता सब भी थोड़ी थोड़ी सब कुछ लगा दी है और अब ये गाय के पेट पे जाएगी। इधर सिक रहा है हमारा परांठा। व्रत में क्योंकि रोटी नहीं खाते और पूड़ियाँ और भटूरे तो कल ही खाए, इसीलिए परांठे बना लिए थे। अभी सबसे पहले भोग लगाकर पतिदेव को और हनु को खाना खिलाऊंगी, देन उसके बाद मैं खाऊंगी तसल्ली से। तो चलो भोग लगाकर आते हैं एंड देन फिर पहले सबको खाना खिलाते हैं, देन फिर खाएंगे सुकून से, क्योंकि हमको खाना खाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबको खाना खिला दूँ। और आपको खाना खाने में 32 बार का फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है? तो चलो भोग लगाने के लिए चलते हैं। ये रहा हमारा खाना। तो ये मच चुके हैं सारे बर्तन, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं रात को, और रात का अब सारा का सारा काम फिनिश हो चुका है। खाना भी खा लिया, बर्तन भी मच गए हैं और किचन भी साफ कर दी है। तो घर का मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, ठीक है? अभी बज रहे हैं 9 और अब मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आप लोगों से बातें करते हैं। आज का दिन बहुत ख़राब था। आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही, व्रत भी था तो बीपी लो मेरा चल रहा है 2-3 दिन से, बड़ी मुश्किल से व्रत कंटिन्यू हुआ है आज मेरा। और अब हनु और पतिदेव चले गए हैं मंदिर यानी कि खेरेश्वर, वो हर मंडे को जाते ही जाते हैं। तो मैं अभी फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों से बात कर लेती हूँ। फाइनली खाना खा के अब थोड़ी जान सी फील हो रही है और आज वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। पूरे दिन आज मेरा इतना ज़्यादा बीपी लो रहा है कि बस पूछिए मत। और अभी तो एक्चुअल थकान शुरू होने वाली है क्योंकि अब होगी असली सफाई शुरू घर पे। और पतिदेव इतना डांट रहे हैं कि कितना वेट कम कर रही हो, वीकनेस आ रही है बॉडी में, लेकिन और अभी फिर से चैलेंज ले रखा है। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, अब मैं और अपना वेट कम नहीं कर रही, आप निश्चिंत हो जाओ। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपना इतना वज़न कम कर चुकी हूँ, ठीक है? मुझे और नहीं करना, मुझे मेंटेन करके चलना है, वरना पतिदेव तो कह रहे हैं कि थोड़ा वेट बढ़ा लो अपना, बट मुझे नहीं बढ़ाना। मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ तो मुझे अपना वेट अब बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, बट कम भी नहीं करना, मेंटेन करना है और आप लोगों की पूरी पूरी मदद कर सकूं। बस मैं यही चाहती हूं कि जैसे मेरा वेट लॉस हो गया वैसे आपका भी वेट लॉस हो जाए। तो किस किस का कितना कितना वेट लॉस हो गया ये कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को बीच बीच में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है और कैसी चल रही है आपकी वेट लॉस जर्नी। तो चैनल पे ये क्वेश्चन आया था मोनिका चौहान जी का कि आप किस आटे की रोटी खाते हो, गेहूं की या रागी की, ठीक है? तो मैंने अपने पहले भी बहुत सारे ब्लॉग्स में ये आप लोगों को बताया है कि रोटी या चावल, पहली बात तो यह है कि कोई एक चीज़ आपको खानी है, या तो रोटी खानी है या फिर चावल खाना है। जो लोग ये सोचते हैं कि चावल खाने से वेट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? चावल खाने से भी वेट नहीं बढ़ता और ना ही रोटी खाने से वेट बढ़ता है। वेट बढ़ता है उसकी क्वांटिटी की वजह से और हम किस तरीके से खा रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको वही 32 बार वाला फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना है हर चीज़ पे। सुबह से लेकर रात तक आप जो कुछ भी खाएंगे आपको हर चीज़ पे 32 बार वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और चावल आपको कैसे खाना है ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक बाउल भर लीजिए चावल से, फिर उसको अपनी प्लेट में पलट लीजिए, तो ये होगी आपकी चावल की क्वांटिटी। बाउल मीडियम साइज़ का ले सकते हैं, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, क्योंकि इतना तो आप खाएंगे ही ना, मतलब बॉडी को भी तो रिक्वायरमेंट होती है। और रोटी आपको एक बार में एक ही लेनी है, रोटी पराठा जो भी खाएं, पूरी, क्योंकि अब सीज़न चल रहा है फेस्टिवल का तो पूड़ियाँ भी खानी पड़ेंगी और तरह तरह की चीज़ें भी बनती हैं, क्योंकि घर में जो मेंबर होते हैं उन सबकी फरमाइश होती है, तो
तो ऐसा तो नहीं है कि आप सबके लिए बनाएंगे और खुद नहीं खाएंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि रोटी आप जब भी खाओ, पहले भी चैनल पे क्वेश्चन आया था, मुझे नाम नहीं था, शायद सलोनी सिन्हा जी का क्वेश्चन था कि मल्टीग्रेन रोटी खाती थी वो, तो मैंने उस पर भी बताया था उनको कि मल्टीग्रेन रोटी नहीं खानी है, एक बार में एक ही टाइप के अनाज की रोटी खानी है, या तो गेहूं की या मक्के की या बाजरे की या रागी की या ज्वार की या क्यूनोआ की या ओट्स की या चावल की। जी हाँ, चावल की भी रोटी खाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, वही आटे को पीस कर, सेम चावल को पीसा एंड देन वही आटे की तरह माड़ा हो जाता है, सूजी की भी रोटी बनती है, मैंने सबकी रोटी ट्राई कर रखी है और यकीन मानिए सारी रोटी बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप गेहूं की रोटी नहीं खा सकते, गेहूं की रोटी खा के भी आप वजन कम कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और रोटी, वेट लॉस रोटी के ऊपर पूरी एक सीरीज लेकर आऊंगी और आपको बहुत सारे टाइप्स की मैं रोटियां बताऊंगी बनाकर कि कैसे बना सकते हो और कितनी क्वांटिटी ले सकते हो और कितनी बड़ी रोटी आपको एक बार में लेनी है। तो अभी 21 डेज का चैलेंज खत्म हो जाए और ये त्यौहार जो चल रहे हैं ये इसका सीजन खत्म हो, दैन फिर सीरीज शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ, लेकिन मुझे जितनी भी नॉलेज है मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने की। तो बात ये चल रही थी कि आपको एक बार में एक ही ग्रेन की रोटी खानी है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सारे के सारे आटे की रोटी ट्राई कर चुकी हूँ, सारी रोटियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसे अब ठंडों का सीज़न शुरू होने वाला है, मतलब हो ही गया है लगभग, गुलाबी गुलाबी सा मौसम चल रहा है, अभी ज़्यादा एसी कूलर की ज़रूरत तो है नहीं, अब तो पंखे से भी काम चल रहा है। तो अब जो सीज़न शुरू होने वाला है, हर आटे की तासीर अलग होती है, कुछ की ठंडी कुछ की गर्म, तो आपको सीज़न के अकॉर्डिंग आटे का यूज़ करना है। जैसे आप गर्मियों में ठंडे आटे की रोटी खाओ, जैसे ज्वार मक्का ठंडा होता है, जौ भी ठंडा होता है, ठीक है, तो आप गर्मियों में इसकी रोटी खा सकते हो। अब हम आते हैं सर्दियों की तरफ, तो बेसन गरम होता है, रागी गरम होता है, बाजरा गरम होता है, ठीक है, तो आप ये सब खा सकते हो ठंडों में। और अगर आपको मक्के की रोटी ठंडों में सूट करती है तो आप वो भी खा सकते हो, क्योंकि अब यही सीज़न है जब आप मक्के की रोटी और सरसों का साग खा सकते हैं। रियली इतना डिलीशियस बनता है, क्योंकि अब साग का सीज़न शुरू हो जाएगा, लगभग एक महीने बाद साग आने लग जाएंगे सारे, और बस पूछो मत, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि जब से मैंने 32 बार वाला करना शुरू किया है ना, ये समझ लो खाने से मुझे पहले भी प्यार था, क्योंकि जिनको प्यार नहीं होता वो मोटे कैसे होते हैं, ठीक है, मोटापा आता ही तभी है जब हमें खाने से प्यार होता है, लेकिन मेरे को खाने से पहले से भी ज़्यादा प्यार हो गया है अब जब से मैंने वेट लॉस किया है अपना, क्योंकि एक्चुअल स्वाद जो होता है ना खाने का, पहले वाला खाना होता है जो आ गया सब खाना है खाना, एक्चुअल स्वाद हमें नहीं आता समझ में, लेकिन जब आप आराम आराम से चबा चबा के तसल्ली से खाना खाते हो तब उसका एक्चुअल टेस्ट जो पता चलता है ना, उससे आपको जो प्यार होता है खाने से। मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता आज की डेट में, मैं आपको सच बात बताऊं, घर का बना हुआ, अपने हाथ का बना हुआ, प्रॉपर सारी चीज़ें उसमें बैलेंस होती हैं, साथ में सैलेड होती है हर चीज़ के साथ, तो जो मज़ा आता है ना खाना खाने का, आप यकीन मानो जब एक बार इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी ना, इस तरीके की लाइफस्टाइल की, तो आपको बाहर खाने का मन ही नहीं करेगा, सच बता रही हूँ। घर का बना हुआ खाना भी खाना ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इतना वेट लॉस होने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती, मैं बाहर का खाना खाती हूँ, लेकिन अगर चुनना पड़े तो घर का खाना बेस्ट है, क्योंकि जो उसका स्वाद है वो बस पूछो मत आप कि क्या होता है। और अब मेरी फेवरेट रोटी मैं आपको बताऊं, मेरी फेवरेट रोटी है बाजरे की रोटी, और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब विंटर्स आ जाती हैं और मेरी बाजरे की रोटी शुरू होती है, क्योंकि मैं पूरी ठंडा बाजरे की रोटी खाऊंगी। बीच बीच में कभी मन किया तो मैं चेंज कर लेती हूँ, जैसे कभी बेसन की भी खा लेती हूँ, कभी मक्के की भी खा लेती हूँ, और बीच बीच में जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं ज्वार की रोटी भी खाती हूँ, मैंने गर्मी में ज्वार की और मक्के की रोटी खाई थी, और गेहूं की रोटी भी खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं गेहूं की रोटी नहीं खाती। गेहूं की रोटी को भी आप बहुत तरीके से बना सकते हो, जैसे कि आप उसमें ना वेजिटेबल्स को क्रश करके, यानी कि कद्दूकस करके, और उसके आटे में मैशअप करके डो बनाकर उसकी रोटियां भी बना सकते हो। इसमें आप लौकी ऐड कर सकते हो, मूली ऐड कर सकते हो, प्याज ऐड कर सकते हो, गाजर ऐड कर सकते हो, पत्ता गोभी ऐड कर सकते हो, फूल गोभी ऐड कर सकते हो, आप सारी सब्जियों को भी ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा जो हमारी जैसे सब्जियां, जैसे हमने काशीफल की सब्जी बनाई या फिर हमने कोई दाल बनाई वो बच गई, तो आप उसमें भी गेहूं का आटा मिलाकर उसकी रोटी भी खा सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो आई होप कि रोटी को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में
वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप की रोटी खा के ही आपका वेट लॉस होगा, नहीं, आप सारी रोटियां ट्राई करो जो आपको खाने में स्वादिष्ट लगे, जो आपको खाने में अंदर से सेटिस्फेक्शन दे, खुशी दे, आप उसे खाओ। हर रोटी को खाकर वेट लॉस होगा इसकी मैं गारंटी ले रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिनरल्स और अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स कि रागी की और बाजरे की रोटी लेडीज लोगों के लिए बेस्ट होती है। एक तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, दूसरा ज़्यादातर लेडीज लोगों को कमर से लेकर और निचले हिस्से में दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली जब बेबी हो जाता है उसके बाद। तो ये रागी और बाजरे की जो रोटी है ये बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं लेडीज लोगों को इन सब समस्याओं से निपटने में। एंड आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर, आजकल अबॉर्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, तो जब ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे किसी किसी का बेबी नहीं हो पा रहा, नहीं रुक पा रहा, उसके बाद भी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, तो कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इसके अलावा आयरन और फॉलिक एसिड, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की कमी होने लगती है बॉडी के अंदर। और ये सब चीज़ें इन दोनों आटों में भरपूर मात्रा में मिलती हैं, जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं इन दो रोटियों को खाकर। तो अगर आपकी तासीर बॉडी की, जैसे मेरी तासीर बॉडी की गर्म है, तो मैं गर्मियों में गर्म चीज़ें अवॉइड करती हूँ, बट क्योंकि अब ठंड शुरू होने वाली है तो अब मैं गर्म चीज़ों को अपनी डाइट में लेना शुरू करूँगी। जैसे कि गर्मियों में मैं वेट लॉस ड्रिंक वगैरह भी वही प्रेफर करती हूँ जो मुझे गर्मी ना करें। इसीलिए आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अब तक ये पूछा था, मैम आप ग्रीन टी नहीं लेती? मैं ग्रीन टी लेती हूँ बट गर्मियों में नहीं लेती, मैं सर्दियों में लेती हूँ ग्रीन टी, और उसका भी ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर लगता है सूटेबल तो मैं लेती हूँ, लगता है कि नहीं अब मुझे नहीं लेनी, क्योंकि मैं चाय नहीं छोड़ सकती। मेरी दिन में 2 कप की चाय बंधी हुई है, पीती मैं विदाउट शुगर हूँ बट मैं पीती ज़रूर हूँ। तो आई होप कि आपको अपने सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। तो मोनिका जी, है ना, आपने क्वेश्चन किया था ये, तो चलिए आज का ब्लॉग जो है ये यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं अपने हर ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल एक्सरसाइज करने का तो मुझे समय मिल नहीं पा रहा। और आज जाके अब नवदुर्गी खत्म हुए हैं, कल से देखती हूँ अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज कल से शायद मैं भी घर के काम वाम सब निपटा कर, और मे भी मैं धीरे धीरे करके सफाई शुरू करूँ, क्योंकि हम लेडीज़ लोगों पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और मैंने जब से ये यूट्यूब चैनल खोला है इसकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, घर के काम तो हैं ही, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, घर की फैमिली के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और साथ में जब दिवाली आने वाली होती है तो ये साफ सफाई जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक एक चीज़ चमकानी होती है, एक एक चीज़ साफ करनी होती है हमको, तो इसके लिए भी समय चाहिए और अपनी तबीयत भी ठीक रखनी है। तो जिन लोगों से ये वेट लॉस चैलेंज नहीं हो पा रहा है वो ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है, वेट लॉस पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। मैंने पहले भी बोला, आप बस अपनी आदतों में 32 बार को डाल लो, मतलब अच्छे से च्यूइंग करके धीरे धीरे करके खाना खाओ, ओवर ईटिंग मत करो, लो कैलोरी वाला खाना खाने की कोशिश करो, शुगर को और नमक को कम लो अगर छोड़ नहीं सकते। देखो नमक तो हम नहीं छोड़ सकते लेकिन हम शुगर को छोड़ सकते हैं, और अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो कम कर दो, ठीक है, शुगर को भी और नमक को भी। बाहर के बेकरी प्रोडक्ट्स मत खाओ, अब क्योंकि त्योहारों का सीजन है तो देखो मिठाइयाँ तो खानी ही पड़ेंगी। और मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ, मेरा ना लगभग डेली सा ही कुछ ना कुछ मीठा हो ही जाता है, क्योंकि मैं बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, बट मेरे यहाँ सबको इतनी मिठाइयाँ पसंद है कि एक तो आती इतना है, ऊपर से नहीं होती तो ले आते हैं, फिर मेरा भी मन करता है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बट मैं थोड़ा टेस्ट करती हूँ। जैसे आज मैंने खीर बनाई थी, मैं आपको दिल से बता रही हूँ, मैंने वो खीर सिर्फ 1 चम्मच खाई क्योंकि मुझे व्रत तोड़ना था, मेरा मन नहीं किया कुछ, मेरा बीपी लो था तो मुझे नमक की चीज़ें खाने का मन कर रहा था, देन मैंने खाना खाया एंड देन फिनिश। तो बस यही है कि कुछ अच्छे से टिप्स फॉलो करो, पानी ज़्यादा पियो, डिटॉक्स वाटर पियो, आपका वेट अपने आप कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि हम लेडीज लोगों पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। वेट तो हम 15 दिन बाद भी कम कर लेंगे त्योहार के बाद, और आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपको त्योहार के बाद वजन कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया फैट कटर ड्रिंक बताऊंगी, जिससे आपका वेट बहुत तेजी से कम होगा। और ये त्योहार के टाइम पे जो आप उल्टी सीधी चीजें खा लोगे ना, हाई कैलोरी वाली, तो आपको लगे कि उससे मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो मैं जो आपको डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स ड्रिंक बताऊंगी, उससे सब खत्म हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, वापस कम हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है, बी मोटिवेटेड,
तो चलो चलते हैं एंड देन मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।